हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर और आज हम लोग ये पेंट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग एक स्केच बनाएंगे रफ स्केच एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस फ्लक्चुएटिंग लाइट बट थोड़ी देर के बाद ये ठीक हो जाएगी सो जस्ट ड्राइंग अ रफ स्केच चलिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जो एक्रेलिक पेंट में यूज़ होते हैं मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ एक ग्लास पैलेट लिया है आप बहुत सारे पैलेट यूज़ कर सकते हो बहुत सारे प्लास्टिक के पैलेट्स बहुत सारे पैलेट्स आते हैं बट अगर आप ग्लास पैलेट यूज़ करते हो तो आप एक्रेलिक कलर्स ईजली रिमूव कर सकते हो इवन इफ़ दे गेट ड्राइड जब भी आप देखोगे कि अगर कोई भी आप पैलेट लेते हो उस पर बहुत ज़्यादा एक्रेलिक पेंट स्टिक हो जाती है बट अगर आप ग्लास पैलेट लोगे अगर वो पेंट ड्राई भी है तो वो अपने आप निकल भी जाएगी और आप इसको ईज़िली वॉश कर सकते हो बहुत सारे नॉन स्टिकी पैलेट्स भी आते हैं जो आप वो भी यूज़ कर सकते हो तो ये मैंने 160 जीएसएम शीट लिया है और मैं जस्ट रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ अपने पेन pen पेंसिल से मैंने जो यहाँ पे कलर्स लिए हैं वो है ग्रीन लेमन येलो वाइट पिंक ब्लैक एंड रेड सॉरी बर्न सियाना नॉट रेड तो ये सारे कलर्स हम लोग यूज़ करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेंटिंग तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिंक एंड बर्न सियाना लिया है और उसके जो बड वाले एरिया है उसको मैं कवर करूँगी यहाँ पे मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ कलर करने के लिए तो मैं इसको पूरी तरह से कवर कर दूंगी इसको आप गोश पेंटिंग से भी कर सकते हो ऑयल पेंटिंग से भी कर सकते हो यहाँ पे मैंने 160 सिक्सटी शीट लिया है बट आप यहाँ पे 300 हंड्रेड या 400 हंड्रेड रेकमेंडेड है तो आप वो शीट पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप कोई वुडन बोर्ड पे भी पेंट कर सकते हो कैनवास भी आते हैं जो फुल्ली प्राइम्ड पहले से ही रहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो कैनवस शीट भी आते हैं जो भी प्राइम्ड मिलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो और सबसे चीपेस्ट जो एक्रेलिक कलर्स हैं वो है कैमलिन जो आई थिंक बेसिक स्टार्टर के लिए बेस्ट है ब्रुस्ट्रो भी सस्ता ही सस्ता है बट कैमलिन उससे भी सस्ता है आई थिंक कैमलिन इज़ मच बेटर तो आप अगर आप स्टार्टर हो तो बेस्ट है कि आप कैमलिन यूज़ करो कैमलिन इज़ वेरी चीप और आप इजली एक्रेलिक पेंटिंग ट्राई कर सकते हो उसके बाद आप अपना कलर ब्रांड दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो जो और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कलर्स भी आते हैं बट्स इनिशियली आप बेटर है कि आप सो so, थोड़े स्टूडेंट बेस्ड कलर्स यूज़ करो ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस हो क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ और नीट होगा उतने आपका पकड़ जो है ब्रशेस को लेके वो भी नीट होगा क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है जो आपकी पेंटिंग्स को इम्प्रूव कर सकता है ये मेरा एक छोटा सा स्केचबुक है जिसमें मैं मोस्टली जो पेंटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं वो करती हूँ और बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनको बनाना है तो मैं इस पर बनाती हूँ प्रैक्टिस का एक मेरे पास दो तीन जो डायरीज़ हैं वो भर चुकी हैं प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट मैं कम से कम दो साल से डेढ़ दो साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैंने 2019 में स्टार्ट किया था एक्चुअली में पेंट करना एक्रेलिक से पहले मैं पोस्टर कलर नॉर्मल पोस्टर कलर्स जो हम लोग को स्कूल में सिखाया जाते हैं उससे करती थी बट बट धीरे धीरे मैंने एक्रेलिक शुरू किया तो को मैंने वाटर कलर भी ट्राई किया गौश भी ट्राई किया बट मेरे को एक्रेलिक ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने एक्रेलिक चूज़ किया पेंट करना तो अपनी अपनी चॉइस है आपको कौन सा पेंट पसंद है कौन सा मीडियम पसंद है उसके हिसाब से आप अपने कलर्स चूज़ कर सकते हो तो मैंने एक्रेलिक चूज़ किया और मैं कम से कम डेढ़ दो साल से एक्रेलिक पेंटिंग कर रही हूँ और हर दिन मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम एक घंटा अपना टाइम निकाल के अपने बिज़ी शेड्यूल से कुछ पेंटिंग करूँ और प्रैक्टिस करूँ ताकि मेरा हाथ और नीट हो मैंने बहुत सारे रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी बनाए हैं जो आ, मेरे इंस्टाग्राम पे हैं मैंने पोस्ट किए हैं बहुत सारे पिक्चर्स मोहिनी आर्ट गैलरी मेरा इस इंस्टाग्राम अकाउंट है आप उस पर देख सकते हो आ, मैं ट्राई करूँगी कि एक प्रॉपर रियलिस्टिक पेंटिंग बनाऊँ जो ऑलमोस्ट दो तीन घंटे उसमें लगते हैं अगर आपको कोई रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी है तो आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो पेंटिंग बनाना अगर आप स्टार्टर हो बिगनर हो उसमें तो ट्राई करो कि आप स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स बनाओ और उसमें ही आप प्रैक्टिस करो कलर मिक्सर करो कलर कॉम्पोजिशन करो डिफ़रेंट डिफरेंट कलर्स को मिलाकर देखो कौन से कलर्स बनते हैं तो उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है कि कौन सा कलर कब यूज़ करना है कलर कॉम्पोजिशन इज़ मस्ट वेन यू आर डूइंग एकरिक तो पहले आप स्टार्ट करो नॉर्मल स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स बनाना उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े कैनवास पे ट्राई करो पेंटिंग्स बनाना जब आप स्मॉल पे बनाते हो तो एक तो स्टार्टिंग में हम लोग का पेशेंस कम रहता है क्योंकि उस पेंटिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल चाहिए अगर आपको प्रॉपर रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी है तो तो बेटर है कि आप पहले स्मॉल से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बड़े कैनवास पेंटिंग्स में बनाओ क्योंकि मैंने बहुत को देखा है जो पेंटिंग्स बनाते हैं बट बट बड़े में बनाते हैं बट पेशेंस लूज़ कर देते हैं और वो पेंटिंग फिर ख़राब हो जाती है तो बेटर है कि आप पहले छोटे में बनाओ पेशेंस लेवल अपना डेवलप करो अपने हैंड मूवमेंट्स अपना ब्रश टेक्निक सारे डेवलप करो और फिर ट्राई करो बड़े में बनाना क्योंकि इससे आपकी तो प्रैक्टिस बनी रहेगी छोटे में पेशेंस लेवल भी इसमें धीरे धीरे ग्रो अप करेगा जैसे जैसे आप बड़े बड़े पेंटिंग बनाना शुरू करोगे तो बेटर है कि पहले आप छोटे पेंटिंग से शुरू करो और एक स्केच बुक बनाओ जिसमें आप डेली कम से कम एक पेंटिंग बनाओ और उसको पेंट करो उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े कैनवाज़ में स्टार्ट करो छोटे छोटे कैनवस भी आते हैं उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो पेंटिंग्स बनाना तो ये मेरा पर्सनल एडवाइस है मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था पहले मैंने छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाए फिर धीरे धीरे मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा डेवलप होते गया होते गया देन आई मेक बिग पेंटिंग्स बेस्ट साइज़ है पेंटिंग बनाने के लिए आई थिंक ए फोर और ए फाइव साइज़ से आप शुरू करो बहुत सारे स्केच uh, बुक्स आते हैं ब्रस्टों के बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं उससे शुरू करो और फिर आप अपना धीरे धीरे वो स्किल डेवलप करो और फिर धीरे धीरे आपका पेशेंस लेवल भी डेवलप होगा और आपकी पेंटिंग टेक्निक्स भी डेवलप होंगी आपको खुद पता चल पता चल जाएगा कि आपकी पेंटिंग्स डेवलप हो रही हैं जब आप एक साल बाद उस पेंटिंग को दोबारा देखोगे और अभी जो बना रहे हो पेंटिंग्स को दोबारा देखोगे क्योंकि एकदम से पेंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस से हो जाता है प्रैक्टिस से कोई भी इंसान पेंट कर सकता है और सेकेंड बात जब भी आप एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रहे हो तो वाटर आई गेस वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए वाटर बस इसके आ, इतना लिक्विडिटी नहीं होना चाहिए कि उसका कलर कलर हो जाए बिल्कुल सेवेंटीज़ टू थर्टी परसेंटेज ऑफ वाटर होना चाहिए मीन सेवेंटी परसेंट कलर और थर्टी परसेंट वाटर अदरवाइज़ उसका जो कलर uh, का जो पिगमेंट है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है बिकॉज़ दीज आर पॉलमर्स एंड तो बेटर है कि आप जब भी एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहे हो तो कम से कम वाटर यूज़ करो बिकॉज ज़्यादा वाटर यूज़ करने से वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो एक्रेलिक्स में आता है और कलर्स भी आपको दिखेंगे बिल्कुल ब्रेक फॉर्म में अगर आपको बिल्कुल लिक्विड कलर्स यूज़ करना है उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं जो आप एक्रेलिक में मिला के कर सकते हो बट इनिशियल बेटर है कि आप वाटर ही यूज़ करो और वाटर भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड मत होने दो बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए थोड़ा वो उसमें कलर डेंसिटी होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे पूरा ही इस बटरफ्लाई को ब्लैक कर दिया है क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्पेसिस छोड़ती ब्लैक के लिए तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसलिए मैंने उसको पूरा ही ब्लैक कर दिया और उसके ऊपर मैं वो पैटर्न्स बनाऊँगी जब ये प्रॉपरली ड्राई अप हो जाएगा तो क्योंकि ये ज़्यादा इजी मेथड है बटरफ्लाई बनाने का अगर मैं वो सारे आ, बना के पैटर्न्स बना के और फिर उसको कलर फिल करती तो डैट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर मी सो इट बेटर कि आप पहले पूरा ब्लैक कलर कर दो और फिर उसके ऊपर पैटर्न्स बनाओ मैंने बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो स्केल शेयर पर भी बनाए हैं आप वो भी चेक कर सकते हो विथ मोइनी आर्ट गैलरी के नाम से तो बहुत सारे आई थिंक ऑलमोस्ट ट्वेल्व क्लासेस हैं उसमें से एक फ्री क्लास है आप उसको ट्राई कर सकते हो अपने घर पे बनाने का वो भी बिल्कुल बिगनर लेवल है मैंने कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग रियलिस्टिक वाले नहीं बनाए हैं बट मैं इस साल ज़रूर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाऊँगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कोई भी क्वेश्चन हो एक्रेलिक को लेके तो यू कैन डेफिनेटली आस मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई थिंक कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए एंड स्टिल होना चाहिए तभी आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो एंड आई थिंक कि अगर आप को मेड एक आर्ट थेरेपी की ज़रूरत है तो आई थिंक पेंटिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग इसमें ना आप कुछ फालतू चीज़ें सोचते हो बस सिर्फ पेंटिंग पे ही फोकस रहता है और इधर उधर की दुनिया से आप दूर रहते हो अब मैं थोड़ा जो बिगनर्स हैं थोड़ा ब्रश को लेके भी थोड़ा बताती हूँ कौन कौन से ब्रश आपको यूज़ करने चाहिए जो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपके पास बहुत सारे ब्रशेज़ होने चाहिए बट मेनली जो ब्रश होने चाहिए वो हैं लाइनर ब्रश फ्लैट ब्रश साइज़ टू फोर एंड राउंड ब्रश साइज़ टू and four and apart from that apart from that I don't think fan brush yes fan brush bhi hona chahiye for grasses agar aap landscape kar rahe ho to तो ये सब brushes uh, important है और mainly अगर आप कोई भी brush खरीद रहे हो तो make sure कि वो या तो bristle brush हो या synthetic brushes हो अब uh, बिल्कुल वाटर कलर ब्रशेस अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें ख़राब हो जाएंगे क्योंकि एक्रेलिक बहुत थिक कलर्स हैं एंड दीज़ आर लाइक पॉलिमर्स और अगर ब्रश में स्टिक हो गए तो ये ब्रश पूरी की तरह ख़राब हो जाएगा तो जब भी आप कोई भी ब्रश यूज़ कर रहे हो टालकन ब्रश भी बहुत अच्छा है आ, उसके बाद सिंथेटिक ब्रशेस ब्रिस्टल ब्रशेस सो दीज आर दी ब्रशेस विच यू कैन यूज़ फॉर एक्रेलिक एज वेल एज़ ऑयल पेंटिंग एंड फॉर पेपर्स डोंट यूज़ नॉर्मल पेपर्स डैट वी यूज़ एट होम बिकॉज हो सकता है कि अगर आप पेंट करो तो कलर दूसरे तरफ भी छप जाए तो बेटर है कि आप थोड़ा थिक पेपर्स यूज़ करो दैन ओनली डैट विल रेजिस्ट और पीछे भी नहीं वो छपेगा तो इसलिए हम लोग को थिक पेपर्स ही यूज़ करने चाहिए और यू कैन सी कि मैंने ऊपर ही जो मैंने बनाया था पैटर्न्स मैं अब ब्लैक के ऊपर ही बना रही हूँ तो ये एक एडवांटेज है एक्रेलिक में कि आप फटाफट ये कलर्स ड्राई हो जाते हैं और यू कैन मेक एनी डिज़ाइंस और शेप्स ऑन दैट बट इन द केस ऑफ ऑयल दिस इज़ नॉट अ केस बट क्योंकि ऑयल बहुत टाइम लगता है सूखने में ऑलमोस्ट आई थिंक ट्वेंटी फोर आवर्स एंड uh, अगर आप कोई मीडियम यूज़ कर बहुत सारे मीडियम्स भी आते हैं जिसमें ऑयल तुरंत ड्राई भी हो जाता है बट अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हो तो ये कलर्स इतने जल्दी से ड्राई नहीं होते बट एक्रिल्स में ड्राई हो जाते हैं डिपेंड्स अपॉन द वेदर लाइक विंटर्स में ये जल्दी से ड्राई नहीं होते इसमें टाइम लगता है बट इन समर्स एक्रिलिक ड्राइज वेरी क्विकली सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल I hope you guys are enjoying this painting. I hope you bore. आप bore नहीं हो रहे होंगे. Acrylic colors में आप easily layering कर सकते हो like here I am doing. मैंने एक coat black का लगाया उसके ऊपर मैंने दूसरा कोट लगाया इनफैक्ट आप तीसरा कोट भी लगा सकते हो आपको वो पसंद नहीं है तो उसके ऊपर आप एक और कोट लगा के कुछ और डिज़ाइन बना सकते हो तो अगर कोई मिस्टेक्स भी हैं तो आप उसको ईज़िली कवर कर सकते हो लेयरिंग के थ्रू बस ये ऑलमोस्ट होने वाला है जस्ट डूइंग दी डिटेलिंग्स ऑफ द बटरफ्लाईज ये बटरफ्लाई के बाद में एक और कोट इसके बैकग्राउंड में लगाऊंगी क्योंकि ये बैकग्राउंड मेरे को बिलकुल स्मूथ नहीं दिख रहा तो एक और बैकग्राउंड कोट जब भी आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आपको दो तीन कोट करना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल टेक्सचर जो आता है बैकग्राउंड का वो स्मूथ आए तो मैं यहाँ पे एक और कोट कर रही हूँ थोड़ा लाइटर वर्जन एंड ट्राई कर रही हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स करना थोड़ा येलो थोड़ा पिंक ताकि वो अलग सा इफ़ेक्ट आए बैकग्राउंड का एंड अगेन ग्रीन यहाँ पे मैं फ़्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ बट आप यहाँ पे राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो फॉर कलरिंग और जो कॉर्नर्स हैं उसके लिए आप रेगर ब्रश यूज़ कर सकते हो या लाइनर ब्रश अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर that will be really helpful for me so you almost hone a so, let's just take out मास्किंग टेप मैं मास्किंग टेप हमेशा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को बॉर्डर्स बहुत पसंद हैं जब वो निकल के आते हैं जब मैं हम लोग मास्किंग टेप यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ मैं मोस्टली सारे पेंटिंग्स में मास्किंग टेप ज़रूर यूज़ करती हूँ जस्ट लिटिल टच ऑफ आई एम गिविंग जस्ट थोड़े कलर्स को मैं और थोड़ा डार्क और ब्राइट कर रही हूँ ताकि वो परफेक्टली दिखे अब इसमें थोड़ा सा जो डिटेल्स है वो क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं इसमें क्या करूँगी मैं जेल पेन जो वाइट जेल पेन है उसको लेकर इसके सारों के बॉर्डर्स बना दूँगी ताकि वो मोर ब्राइट और शाइनी दिखे This is almost done. And do like, subscribe, and share my painting. And thank you very much. Have a nice day.